स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। और आज जो कार हमारे सामने है वो है मारुति की ओर से आने वाली एक मिनी वैन, जो कि कॉमर्शियल यूज में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और ये 2023 का लेटेस्ट वेरिएंट है। इसके हमें चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो 5 सीटर और 7 सीटर मिल जाते हैं, उसके बाद 5 सीटर विथ AC और 5 सीटर AC विथ CNG। और ये वेरिएंट 5 सीटर पेट्रोल वाला है, AC के साथ आता है। इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करें तो वो रहेगी लगभग 5,62,000 रुपये, और ऑन रोड लगभग ये 6,54,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखें तो नॉर्मल सी वैन जैसी सिंपल सी लगती है, और इसकी अगर विड्थ देखें तो लगभग 1700 mm की है, और 3600 mm की इसकी लेंथ मिल जाती है। तो देखिए साइज काफ़ी बड़ा सा लगता है इसका, यहाँ से देखिए अगर साइड प्रोफाइल, तो इसको प्रॉपर मिनी वैन का लुक दिया गया है। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं। यहाँ पर हमें हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं। अगर इनको हम ऑन करके दिखाएं एक बार, तो ये देखिए इंडिकेटर रहेंगे यहाँ पर, और हेलोजन बेस्ड हेडलाइट है। फॉग लैम्प के लिए कटआउट दिए जा रहे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी ग्रिल है, सुजुकी का लोगो यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही ये देखिए फेंडर पर भी इंडिकेटर लाइट हमें मिल जाती है। चलिए इसको बंद कर लेते हैं। गाड़ी थोड़ी सी आपको मैली सी लग रही होगी, थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, क्योंकि यार्ड पे खड़ी हुई है तो हम वहाँ शूट कर रहे हैं इस वजह से। बाकी विंडशील्ड देख सकते हैं, यहाँ पर 2 वाइपर दिए जा रहे हैं। और इस कार की देखी जाए तो ऐसी मिलेगी, सिंपल सी की मिलती है हमें इस कार की, 2 की प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ देखिए 13 इंचेस के हमें टायर मिल जाते हैं, और टायर प्रोफाइल देखी जाए तो गंदी हो रखी है। ये रही 155R13 की रहती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, MacPherson स्ट्रट सस्पेंशन रहेगा, और यहाँ पर हमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और टायर प्रोफाइल भी वही 13 इंचेस की रहने वाली है। और फ्यूल फिलर कैप देखिए इसका यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए एक बार इसको ओपन करके दिखा दें, तो इसे आपको की से ओपन करना होगा। ये देखिए यहाँ से आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। चलिए रियर लुक की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि हमें रूफ माउंटेड ब्रेक लाइट दी जा रही है, उसके बाद बड़ा सा मिरर दिया जा रहा है, इको की ब्रांड ने यहाँ पर की गई है, सुजुकी का लोगो यहाँ पर दिया जा रहा है। और भी अच्छी बात यह है कि 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ये देखिए। बाकी कुछ इतना हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, पर्याप्त है। नीचे अगर देखें तो सारे इक्विपमेंट की विजिबिलिटी रहेगी, यहाँ से देखिए सब कुछ क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पर भी हमें हेलोजन बेस्ड ही टेल लैम्प का सेटअप दिया जा रहा है। तो ये है इस कार की रियर प्रोफाइल। चलिए इसका जो गेट है वो ओपन करके देखते हैं, की से ही ओपन करना पड़ेगा। ओके, हाइड्रोलिक स्ट्रट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कितना स्पेस मिल रहा है दोस्तों, भर भर के स्पेस है। ऑलमोस्ट आप एक छोटा सा फोल्डेबल जो बेड होता है, जो पलंग होता है हम घर पे जो भरते हैं, वो आराम से इसमें आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है, इस पर आराम से बैठ भी सकते हैं। ये देखिए अगर कहीं टूर वूर पे जाते हैं तो ऐसे करके आप इसमें बैठ भी जाइए, बहुत ही ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी सामान है, कितना भी लगेज है, आप कैरी कर पाएंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं ये कॉमर्शियल व्हीकल है, कॉमर्शियल यूज में लोग सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें मिल रहा है इस वैन में। तो ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें स्लाइडेबल गेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, कहीं आप पार्किंग वार्किंग में आपने कहीं खड़ी रखी है जहाँ पे जगह कंजेस्टेड है थोड़ी सी, तो उसमें ये बहुत ही यूजफुल रहता है। जगह कवर नहीं होगा, कितनी भी पतली गली हो आराम से आप इसका गेट खोल के एक्सेस ले सकते हैं। और ये सीट देख रहे हैं ना, ये भी डिटैचबल हैं, अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ से बोल्ट खुलवा दीजिए और ये सीट भी रिमूव हो जाएंगी। अब सीट पर देखें तो ये देखिए लेदर कवर्ड है, और बेंच सीट मिलती हैं, सीट बेल्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं। बाकी यहाँ पर देखिए रूफ लाइट मिल रही है सेंटर में, तो ऑफ कर देते हैं, और हमें फ्रंट केबिन में भी मिल जाती है, इसको भी ऑफ कर दें। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी टूल किट मेडिकेट वगैरह पड़ी हुई है। अब इसमें क्या है, ये दोस्तों सीट तो एडजस्ट कर पाएंगे आप, वो वाली एडजस्ट नहीं होती है, लेकिन स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। अगर बैठ कर देखें तो ये देखिए लेग रूम, और ऐसा यहाँ पर आपको पैर पसारने की जगह नहीं मिलेगी, ये है ना, यहाँ थोड़ा सा हम्प है, ना उधर मिल पाएगी ना उधर, तो पैर आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी लेग रूम के मामले में कोई कमी नहीं है, और 3 लोग बहुत आराम से इसमें बैठ पाएंगे। बाकी मैनुअली इसकी विंडो ओपन करेंगे हम, तो ये ऐसे खोलेंगे और इतनी ही ओपन होती हैं, ये देखिए यहाँ तक ही ओपन है, उससे नीचे ये नहीं जा रही है।
तो आई डोंट नो ये क्या सीन है इसका, इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, थोड़ी सी वार्निंग नोटिस वगैरह है इस विंडो को लेके, तो उसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। बाकी यहाँ पर डोर ओपनर दिया जा रहा है, पॉकेट हमें मिल जाते हैं को पैसेंजर साइड सीट में, इधर साइड हमें कोई भी पॉकेट नहीं मिलता है, तो अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर सीट बेल्ट वगैरह दी जा रही हैं, तो सेफ्टी वेफ्टी भी बरकरार रहेगी, तो कुछ ऐसा लुक रहने वाला है। चलिए इसको बंद कर लेते हैं। तो ड्राइवर साइड डोर देखें, यहाँ पर विंडो ओपन करने के लिए लीवर दिया जा रहा है, मैनुअली ओपन करिएगा। डोर लॉक है, कार्बन फिनिश में है, बाकी यहाँ पर हैंडल दिया जा रहा है। और ये देखिए पुरानी याद दिलाने वाली चीज़ें, बाकी ये चीज़ जो है ना मैनुअली एडजस्टेबल रहेगी, इसको आपको मैनुअल एडजस्ट करना होगा ORBM को। सो ये देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड ही हेडरेस्ट मिल रहे हैं, और सीट अच्छा खासी है, मतलब लंबर सपोर्ट भी है, ठीक ठाक सही है, ओके ओके है। और ये भी अच्छी खासी स्पेस मिल रहा है यहाँ पर भी, तो डिसेंट सा है। अगर इस पर बैठ कर देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए आराम से पैर नीचे की ओर फैले हुए हैं, ये देख सकते हैं। इसका हैंडल सिंपल सा है और कुछ ऐसा है हॉर्न साउंड। यहाँ पर SRS बैग की ब्रांडिंग की गई है, मतलब इसमें हमें दो बैग मिलेंगे, ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। ओके सो कंपार्टमेंट में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर दिया गया है हमें AC, दो AC वेंट यहाँ पर है, उधर की साइड है, इधर भी है, हेजार्ड बटन है। बाकी यहाँ पर तो सनवाइजर में इधर तो टिकट होल्डर नहीं है, और इधर भी टिकट होल्डर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर रीडिंग लैंप मिल जाती है, मैनुअली एडजस्टेबल IR भी है हमें। बाकी यहाँ पर हमें पार्किंग ब्रेक के लिए लीवर दिया जा रहा है। तो ये इसका गियर नॉब, 5-speed गियर ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, उसके नीचे भी थोड़ा स्पेस है, 12-volt का चार्जिंग पोर्ट है, थोड़ा सा स्पेस। अब यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं बाद में, उसके लिए कटआउट दिया जा रहा है। और ये है AC हीटर के साथ, तो इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाइपर के कंट्रोल दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर हेडलाइट के, ये देखिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, विजिबिलिटी अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि हम हैंड ऑलमोस्ट टायर के ऊपर ही बैठे हैं। थोड़ा सा ये रहा है इसके टायर, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए बटन दिया जा रहा है, AC वेंट है, और ये देखिए बोनट ओपन करने के लिए लीवर। बाकी हैंडल एडजस्टमेंट इसमें कैसा है, कोई एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है आई थिंक। ओके सिंपल सा है, जहाँ है वहीं स्टक रहेगा। तो चलिए इसके मीटर कंसोल को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए फुली डिजिटल है, सबसे अच्छी बात ये है। बाकी इंजन चेक लाइट आपने देखी, सारी चीज़ें दिख रही हैं, सीट बेल्ट वार्निंग की। और यहाँ पर हमें डिजिटली स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ पर फ्यूल वार्निंग और रेंज वगैरह देखने को मिल रही है, और ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप मीटर और रेंज देखने को मिल रही है। चलिए बोनट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर है सिस्टम, ओपन करते हैं। तो ये देखिए, अब एक बात बताइए आप, इसका इंजन किधर है? यहाँ तो सारी ब्रेक ऑयल वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए सबसे अच्छी बात है, ये 4-cylinder इंजन के साथ अब आती है, तो रिफाइनमेंट अब अच्छी मिल गई है, अच्छा एवरेज मिलेगा। अब इसका इंजन जो है ना यहाँ पर है दोस्तों, ये हम जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ इसका इंजन है। तो उसके लिए चलो ओपन करके ही दिखा देते। तो ये देखिए ये रहा इसका इंजन, तो इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, और जो पावर प्रोड्यूस करेगा 80 bhp की, और इसमें टॉर्क मिलेगा हमें 104 Nm का। 4-cylinder इंजन है, काफ़ी रिफाइंड हो गया है, अच्छा खासा इसमें हमें माइलेज देखने को मिलेगा। ये इसका सीट एडजस्टमेंट के लिए, इसे आगे पीछे आप सीट को एडजस्ट कर पाएंगे। सो अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें ABS, ABD, साथ ही सीट बेल्ट वार्निंग फ्रंट और रियर दोनों साइड के लिए, और चाइल्ड सेफ्टी मिल जाती है, साथ ही दो एयरबैग मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो जो यूज़फुल फीचर हैं सेफ्टी के, वो इस कार में हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी इसकी परफॉर्मेंस अब और भी बेहतरीन हो गई है, 2023 में इसमें इंजन में अपग्रेड किया गया है, सो दैट्स वाई इसमें अब और भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जो भी एक अच्छा व्हीकल देखना चाहता है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फ्यूल इफिशियंसी अच्छी हो, लुक्स वाइज भी अच्छी हो, तो वो डेफिनेटली इस व्हीकल को चेकआउट कर सकता है। 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो मारुति सुजुकी इको को लेके। बहुत ही अच्छी व्हीकल है, कमर्शियल यूज में अगर कोई लेना चाहता है उसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट मारुति सुजुकी इको 2023। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कोई भी इस कार से रिलेटेड डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।